हेलो एवरीवन, आज सभी को जिस टॉपिक के लिए आज हम लाइव आ रहे हैं वो आप सभी को पता ही है। विनेश फोगट जिनका डिसक्वालिफिकेशन हुआ बिकॉज ऑफ 100 ग्राम्स ओनली, सो उसी बारे में हमारे तरफ से एक साइंटिफिक व्यू रीज़न लोगों के सामने रखने की कोशिश रहेगी। मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर परमजीत सिंह, जिनको हम डॉक्टर एजुकेशन के माध्यम से जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है जिनको। उनका काम मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं, अलग से ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिनके ऊपर उन्होंने साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया नहीं, चाहे वो फिटनेस हो, कोविड के दरम्यान हो, हर हर तरीके से उन्होंने लोगों को एजुकेट करने की पूरी सच्चे दिल से कोशिश की है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। लेट्स, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाय, कैसे हो डॉक्टर प्रशांत? कैसे हो एकदम यार? बढ़िया हाउ आर यू? सर, मैं एकदम बढ़िया। आप सुनाओ सर। ऑल वेल, ऑल वेल। हाउ इज द साउंड एंड वीडियो क्वालिटी? मेरे तरफ से तो एकदम बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी वेरी नाइसली। सो हाय, सो ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। यस सर। तो टॉपिक आपने भी आज वीडियो बनाया, अच्छा लगा कि विनेश फोगाट जो हमारे देश की बेटी है, जो सबसे ज्यादा उम्मीद मेडल की उनके तरफ से थी और सिर्फ 100 ग्राम्स की वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। सो बिल्कुल सर, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन 90 सेकेंड्स वर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। तो मैं चाहूंगा सर, आपका व्यू एक बार रखें कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे वेट रिड्यूस हो सकता है, और यहाँ पे एक लिमिटेशंस क्या आते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और उस उन सबको साइंटिफिक तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी टॉपिक है एक्चुअली, और इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए एक यूट्यूब पे भी वीडियो मैंने डाला था इसी पॉइंट पे, और आई सॉ योर वीडियो ऑल्सो एंड दैट गेव मी द इंस्पिरेशन कि यस, दिस इज अ गुड इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू यू टू स्पीक अप ऑन दिस, एंड इट्स गुड राइट, पीपल लाइक अस और हमें थैंक यू सर। सर इसमें बात क्या होती है ना, देखिए हमें कितना नॉलेज है ये लोगों को बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स हैं इंडिया में जो इस वेट के चलते अपनी वेट कैटेगरी में खेल नहीं पाते और उनकी साल भर की मेहनत व्यर्थ होती है। चाहे वो जूडो हो, टाइकोंडो हो, हर एक गेम में वेट कैटेगरी रहती है। इवन बॉडी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स में तो आपको पता है जहां पे जिस दिन कॉम्पिटिशन है वहां पे उनको 3 वेट कैटेगरी में खेलना रहता है। उनसे मतलब अगर 73 वेट लेके बंदा जाता है तो उन्हें हो सकता है, अच्छा टफ कॉम्पिटिटर 75 केजी में आ रहा है तो उन्हें 70 केजी में खेलना पड़े या फिर अबव 75 खेलना पड़े। सो ये करेक्ट मुद्दा बहुत जरूरी था, नॉट टू शो हाउ नॉलेजेबल वी आर, बट पूरी एक तरीके से पूरे जो एथलीट्स हैं इंडिया में उन सभी का भला हो जाए, उनको कुछ अच्छा साइंटिफिक नॉलेज भी मिले, यही एक पर्पज है इस लाइफ का सर। यस, और इट्स एक्चुअली क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि नॉलेजेबल है कि नहीं, इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट थिंग्स। और क्या होता है कि जब हम जैसे लोग बात करते हैं, कई बार ऐसी पॉइंट निकल के आता है जो उन्होंने नहीं सोचा, जो वो मिस कर गए, और इट्स नॉट नेसेसरी दैट हर एक पॉइंट हम सोच लें, हर एक चीज हम ध्यान में लगा लें, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर जाने वाले लोगों का अब बात करेंगे ना जब हम, तो इफ दैट इज बिकॉज वहां पे जाने के बाद जैसे एकदम से इंसान का अगर एक दिन में 2-3 किलो वेट बढ़ जाना अपने आप में, ऑब्वियसली या तो वो वाटर वेट है या फिर वो उन्होंने फाइबर ज्यादा खा लिया है। सो वो कैसे पॉसिबल है? वो लोग समझ नहीं पाते कि भाई वेट कैसे बढ़ गया, क्या उनको कुछ पिला दिया गया राइट, क्या उन्हें कुछ खिला दिया गया, कुछ उल्टा सीधा खिला लिया क्या एकदम से, क्या वो पहला कंपटीशन तो नहीं है एथलीट का कि वो ये सोच के ना जाए कि भाई हमारा वजन बढ़ सकता है, हमें ध्यान से खाना होगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इधर आ जाता है कि नॉलेज गैप हुआ है ऑब्वियसली, और कोई भी एथलीट पर से इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं करता, उसको उसका न्यूट्रिशनिस्ट गाइड देगा, उसका फिजियोथेरेपिस्ट गाइडेंस देगा, उसका डॉक्टर गाइडेंस देगा, और हम नहीं जानते कि उन हर एक एथलीट को जो ग्राउंड लेवल पे इन सब चीजों की कितनी अवेलेबिलिटी है, और वो जो पर्सन है जो न्यूट्रिशन कितना लायक है, वी डोंट नो दैट। सो ऑब्वियसली बीइंग अ पर्सन जहां पर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारा बनता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और आज इसको बिल्कुल कवर करेंगे, और बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स हैं जो लोग इग्नोर करते हैं राइट, बहुत बड़ी चीजें हैं इसमें।
सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस. लाइक देखो, लोगों ने एक एथलीट के लिए वेट कैटेगरी में जो सबसे कॉमन चीजें वो यूज करते हैं, वो सेफ जोन में वाटर और सॉल्ट लॉस करने की कोशिश करते हैं, जितना वाटर हो, बिकॉज 60-70% बॉडी वाटर से बनी है, तो वाटर लॉस करना लॉजिकल है. पर जो चीज इंसान जो भूल जाता है, वो सबसे बड़ी चीज भूल जाता है कि जो आपने खाया पिया है, एक आपका जो फाइबर, आपका जो गट कंटेंट है, आई मीन आप ये जानेंगे कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में 24 घंटे से लेके 72 आवर्स तक, या कई बार 10-10 दिन तक आपका खाना वहां पर ब्लोटिंग करके डाइजेस्ट होते हुए फाइबर कंटेंट पड़ा रह सकता है. और खासकर अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, जो कि कई सारे एथलीट होते हैं, कई सारे एथलीट उस समय वजन कम करने के चक्कर में पानी कम करके, तो कई बार उनके गट के अंदर लिटरली आधा 1-2 किलो तक मल भरा पड़ा रह सकता है. सो एक गट कंटेंट क्लेंजिंग द गट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच अ पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड. और लाइक यू पॉइंटेड आउट वेरी इंपॉर्टेंटली, कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में अपने वाटर कंटेंट को जल्दी जल्दी कम कर लेंगे या डिहाइड्रेशन जल्दी कर लोगे, सो योर बॉडी डिटेक्ट्स लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, और आपका किडनीज में सीधा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और वो वाटर जो यूरिन में निकल रहा है उसे और रोक देगा. सो इट विल मेक मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज वाटर फर्दर, और वो उसको रोक देगा, और जो आप चाहते हो वो हो नहीं पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सेफ वेज. जिस तरह वेट लॉस करने की एक सेफ स्पीड है, कोई भी इंसान सोचेगा मैं 4 किलो, 5 किलो या 50 किलो एक महीने में कम कर लूं, तो वो सेफ नहीं है, बिकॉज बॉडी में उसके साइड इफेक्ट होंगे. वैसे ही एक एथलीट के लिए वही चीज एक्सेलरेटेड वर्जन में है, जहां उसको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, 2-3 किलो वजन कम करना है, मे बी इन 24, 48, 36 आवर्स, तो उसके पास में ऑप्शन नहीं है डायुरेटिक्स का या मेडिकेशंस का जो के बॉडी बिल्डर्स लेते हैं. उसके पास यही ऑप्शन है नेचुरल वेज. सो नेचुरल वेज में यस, आपकी बॉडी में से आप पानी कम कर सकते हो या मल कम कर सकते हो, दो ही ऑप्शन बचते हैं, है ना, बिकॉज पानी और यही दो चीजें हैं जो वाटर होल्ड करती हैं. वहां से खून निकालने वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा. अल्टीमेटली पानी ही कम कर दो तो बेटर है, खून में से पानी निकाल दो कि सेल्स निकालोगे, गरीब बेचारे को और एनीमिक करोगे. तो ये तीन ही ऑप्शन है, पानी निकालना, मल निकालना, और जो खून निकालना या जो निकालना, और निकालने के सर, तरीके में हाँ हाँ व्हाट अबाउट मसल ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन होल्ड्स वाटर. वाटर ग्लाइकोजन वाटर मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है. योर इवन योर मसल इज 60-70% मसल में भी वाटर होता है, वेट. यस यू कैन यस नॉट लूज मस, हाँ, आप मसल लूज नहीं करते, आप वो ग्लाइकोजन कंटेंट यूज करते हो, वो कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन करते हैं, बट उसका भी ऑब्जेक्टिव वेट के साथ जो होता है, बिकॉज ग्लाइकोजन तो बड़ी मुश्किल आपका अंदर 100-150-200 ग्राम का आपका बॉडी के अंदर वो होता है, जो ग्लूकोज कंटेंट है वो चीज आपका ग्लाइकोजन भर देगा, और उसके साथ जो वाटर एसोसिएटेड है वो लूज होता है. सो एवरी यस सिंगल टिश्यू इन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, एंड व्हेन यू लूज ग्लाइकोजन बाय डूइंग एक्सरसाइज, यू बेसिकली ट्राई टू रिड्यूस जो वाटर वो होल्ड करता है मसल में, ब्लड में होल्ड करता है सॉल्ट वाला, टिश्यूज में होल्ड करता है सॉल्ट वाला, और शुगर होल्ड करता है ब्लड में भी, मसल में भी, और इंक्लूडिंग एवरी सिंगल टिश्यू इंक्लूडिंग द ब्रेन, ब्रेन में भी. सो डिहाइड्रेशन एक तरीके का, या कंट्रोल्ड डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं इसको. तो समबडी हु वांट्स टू लूज वेट, द बेस्ट ऑप्शन इज कंट्रोल्ड डिहाइड्रेशन, यानी कंट्रोल्ड लेवल, या आप अपना धीरे धीरे वाटर कम करें, राइट. देन डाइटरी मैनिपुलेशन एक बहुत प्रायोरिटी इफेक्ट्स हैं. जैसे हमारे बॉडी बिल्डर में पीक वीक होता है, हमारा पीक वीक होता है, हम वहां पे कार्ब मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, सॉल्ट मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे ही एथलीट के लिए भी जो पीक 3-4 डेज है बहुत मायने रखते हैं. वो पीक 3-4 डेज में अगर वो बहुत हाई फाइबर डाइट ले लेंगे, तो फाइबर होल्ड्स वाटर इन योर गट, समझे, तो फाइबर होल्ड्स वाटर इन योर गट, एंड देन यू गेट तुरंत डिहाइड्रेशन करने लग गए, आप तुरंत वाटर कम करने लग गए. उतनी स्पीड नहीं है आपके इंटेस्टाइन्स की कि वो तुरंत थट थट नीचे ले जाएगा. सो दैट फाइबर विल होल्ड सम वाटर, और द फाइबर अपने आप में वहीं गट पे कॉन्स्टिपेशन करके पड़ा रहेगा, वहां हाथ डाल के नहीं निकाल सकते आप उसको. सो यू नीड टू प्लान दैट आउट,
कि 4 दिन पहले आपको खाना ऐसा खाना है जो लो रेसिड्यू डाइट हो, जो आपके गट के अंदर फाइबर नहीं छोड़े, पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। तो लो रेसिड्यू डाइट जो लिटरली कोलोनोस्कोपी से पहले करते हैं डॉक्टर लोग, नीचे से जो एंडोस्कोपी करते हैं, ट्यूब डालते हैं, उससे पहले करते हैं कि गट क्लेंस हो जाए, पूरा गट खाली हो, हमें अंदर तक दिखे, उससे पहले की जाने वाली डाइट एक एथलीट कर सकता है इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर गट, ताकि वहां वेट ना हो, मैनेजमेंट फिर वो इजीली, फिर वाटर वेट मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए। तो एक बड़ा एस्पेक्ट जो नहीं लोग सोचते इज द लो रेसिड्यू डाइट, लाइक अ पीक वीक, पीक 3-4 डेज जो उनको करने चाहिए। मे बी पीपल नो अबाउट इट, मे बी पीपल डोंट नो अबाउट इट, बट हमारा पॉइंट है कि हम बोले जो हमें पता है कि नहीं? जी सर, सर मुझे ऐसे लगता है इसमें देखिए रोल आपके मसल फाइबर्स का भी प्ले करता है, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। अगर इन्होंने जो वर्कआउट किया है, जो मुझे लगता है कि वहां पे उन्होंने ग्लाइकोजन डिप्लीशन वाला वर्कआउट किया नहीं है, बिकॉज फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो जो मैक्सिमम ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, अगर आप उनको सही तरीके से फटिग कराओ, फटिग इन द सेंस आप इस ऐसे तरीके का लैक्टो एसिड हाइपरट्रॉफिक वर्कआउट हम जिसे बोलते हैं, जहां पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, विच इज द एंड स्टेप ऑफ योर एनारोबिक पाथवे, जहां पे आपका ग्लाइकोजन मैक्सिमम डिप्लीट हो सकता है, ऐसा वर्कआउट अगर आप करा रहे हो 10 to 12, 13, 14 reps मैक्सिमम करा, और दो सेट्स के बीच में अगर रेस्ट पीरियड कम रखा जाए, तो ग्लाइकोजन आपका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है यूजुअली 1.5 to 2, roughly 2 grams अलग पर 100 grams होता है ग्लाइकोजन, वो आप लेके जा सकते हो सर 0.6 तक। दिस इज व्हाट आई अप्लाई फॉर बॉडी बिल्डर्स ड्यूरिंग पीक वीक, क्योंकि जितना आप डिप्लीट करोगे उतना रैपिडली आपका ग्लाइकोजन स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। अगर आपका नॉर्मल 1.5 to 2 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोरिंग कैपेसिटी है पर 100 ग्राम, सो वो दैट कैन बी इंक्रीज अप टू 4 व्हेन यू डिप्लीट इट अप टिल 0.6 ग्राम्स, एंड दैट इज हाउ डू पॉसिबल। हाउ हाउ व्हाट एक्सरसाइज आर यू सेइंग इसके लिए बेस्ट है? इसके लिए एक्सरसाइज यही है कि आप जब फास्ट ट्विच मसल फाइबर को अगर आपको ट्रेन करना है तो 12 to 15 reps के बीच में करो, और दूसरे सेट पे आप जब जाओगे, लेट से जैसे सर्किट ट्रेनिंग होता है, बॉडी बिल्डर्स यूजुअली सर्किट ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उनको उसका पाथवे नहीं पता है कि सर्किट ट्रेनिंग ही क्यों। सर्किट ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि दूसरे सेट के बीच में आपको रेस्ट नहीं मिलती, जहां पे आप रिकवर नहीं कर पाते, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता, तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज वेयर योर ग्लाइकोजन डिप्लेट्स। जहां पे आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन वहां पे हुआ, वहां पे आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा मसल फटीग में जाके, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी डन। अगर वो मैक्सिमम जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कवर किया कि ग्लाइकोजन स्टोर्स मैक्सिमम वाटर, सो अगर ग्लाइकोजन ही आप सही तरीके से डिप्लीट कर पाए तो वाटर भी चला जाएगा। ये एक तीसरा तरीका, आपने तीन तरीके बताए, ये चौथा तरीका सर अच्छे से काम करता है, और जहां पे मैंने देखा है ये एथलीट्स क्या करते हैं, वो स्कीपिंग कराते हैं, वो जॉगिंग कराते हैं, ये सही तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। यहाँ पे आपका वाटर लॉस हो रहा है, सबक्यूटेनियस वाटर जा रहा है एक्सेस, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोरेजेस खाली नहीं हो रहे, और ग्लाइकोजन स्टोरेजेस ये ऐसे सोचते कि हम खाली करेंगे तो नेक्स्ट डे स्ट्रेंथ कम होगी, बट देर आर वेज टू रेप्लेनिश दोज ग्लाइकोजन स्टोरेजेस इमीजिएटली। जैसे ही आपका वीइंग हो गया, आपके पास थोड़ा टाइम रहता है, उस टाइम में अगर आप हाई जीआई कार्ब्स लेते हो, इवन आप आईवी फ्लूइड भी लेते हो, विच इज अलाउड, कि अगर आप दिखाओगे कि डिहाइड्रेशन हुआ है, एथलीट मतलब तकलीफ में है, तो आईवी फ्लूइड भी ले सकते हैं, ओनली ब्लड डोपिंग इज नॉट अलाउड। अच्छा, सो उस सिचुएशन में दिस इज पॉसिबल कि ये हो सकता है सर। दिस इज मैंने एक दो एथलीट्स है जो मैं कुछ रेसलर्स को भी सर गाइड करता हूँ महाराष्ट्र में, जो अच्छे लेवल पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तैयारी चल रही है अभी, तो ये पॉसिबल हुआ है। दे इंसिस्ट कि सर हमें डायरेटिक्स बोलो, डायरेटिक्स, उनको ये भी नहीं पता कि मासूम लोग मतलब बोलते ना कि डायरेटिक्स पकड़े जाते हैं नाड़ा वाड़ा के थ्रू, उनको ये भी नहीं पता, तो ये तरीका बोलता हूँ मैं। और दूसरा एक तरीका ये करते हैं कि वो जैकेट्स डाल के, हेवी जैकेट आता है वो डाल के भागना और पसीना निकालना, लेकिन उसका भी सर रिबाउंड इफेक्ट है, वो अगर आप अगले दिन रात में करते हो तो फिर वही वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम काम करने लगेगा, अल्ड्रोस्टेरोन एडीएच बढ़ जाएगा। अगर आपको फ्लेबोटॉमी मतलब ब्लड निकालना, जैकेट्स डाल के भागना, ये सारी चीजें करनी है, तो जस्ट प्रायर टू वेइंग
हो सकता है। बाकी उसके पीछे जो करना है सर, तो वो मुझे लगता है सिर्फ आप ग्लाइकोजन डिप्लीट करके ही मैक्सिमम इफेक्ट ले सकते हो। या ग्लाइकोजन इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो तो है, बट ये ग्लाइकोजन तो सिर्फ एक पार्ट हुआ, बिकॉज क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, वाटर कंटेंट आपके ब्लड में भी बहुत है, ठीक है, आपके टिश्यूज में भी बहुत है, और जो ग्लाइकोजन है वो केवल आपके मसल में, मसल के अंदर ही ग्लाइकोजन को या वाटर को होल्ड करेगा। ग्लाइकोजन के नॉट होल्ड आउट ऑफ मसल, ठीक है, और सबक्यूटेनियस वाटर नहीं होल्ड और करेगा, सबक्यूटेनियस भी टिश्यू वाटर भी नहीं, वो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल, सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि लोग ग्लाइकोजन स्टोरेज के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट यूज करते हैं, जैसे HIIT कर लेते हैं, या आपका स्किपिंग कर लेते हैं, या जो रनिंग कर लेते हैं जैकेट पहन के। अब उसमें क्या होता है कि वो चीज जो है वो कर भी नहीं सकते 10-15 मिनट के ऊपर, दे हैव टू टेक अ ब्रेक। सो एंड दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड। अब 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना जरूरी है, राइट, बट प्रॉब्लम ये है कि ग्लाइकोजन डिप्लीट करने के एक्चुअली में बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है एंड्योरेंस वर्कआउट, लंबे समय तक आप अगर लगातार थोड़ी थोड़ी स्लो जॉगिंग करोगे तब भी हो जाएगा, बट उस केस में आपका बिकॉज कार्ब के साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चलेगा तो फैट भी होगा, बिकॉज आप लो लो इंटेंसिटी कर रहे हो। फास्टिंग से भी आप ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके भर ही नहीं रहे, बिकॉज आप ले नहीं रहे हो कार्ब, तब भी कर सकते हो, और लो कार्ब डाइट से भी कर सकते हो, और सर्किट ट्रेनिंग से भी कर सकते हो। नाउ सर्किट ट्रेनिंग इज व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई, बिकॉज सर्किट ट्रेनिंग में यू आर यूजिंग मोर मसल्स देन ओनली रनिंग, एंड ओनली रनिंग, स्पेसिफिकली फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। हाँ, स्पेसिफिकली फास्ट ट्विच मसल, इंक्लूडिंग योर यू नो पुशिंग मसल्स, आपकी जो मसल्स नॉर्मली दूसरी मसल्स, बिकॉज ग्लाइकोजन इज स्टोर इन इंडिविजुअल मसल्स, और इंडिविजुअल मसल्स को जब आप स्टिमुलेट देंगे, स्टिमुलेशन देंगे, तब वहां का ग्लाइकोजन निकलेगा, वरना दूसरी मसल तो थक जाएगी। पैरों की काफ की एक्सरसाइज करते हुए चेस्ट का ग्लाइकोजन थोड़ी खत्म होगा। सो दैट ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इंडिविजुअली इन थ्रू आउट द बॉडी बॉडी। तो इसीलिए सर्किट ट्रेनिंग बीच में करना इज ऑलरेडी इज वेरी गुड ऑप्शन, जैसा आपने बताया, एंड हाई इंटेंसिटी या हाई ट्विच मसल्स के मतलब है हाई इंपैक्ट मूवमेंट्स आप कर सकते हो, जिससे आपका ये बेटर होगा, डिप्लीशन वर्कआउट जिसको एक तरीके से कह सकते हैं। बट उसमें अगेन हमारे रिस्क फ्री नहीं है, अगेन मसल ब्रेकडाउन होते हैं, फटीग होता है, बाकी चीजें तो हम हाइपोग्लाइसीमिया तो आप बाद में लोगे ही, रिकवरी के लिए फ्लूइड्स आपको वेक के बाद लेना है, बट इंजरी नहीं करके बैठ जाना, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दैट, सो एवरीबडी नीड्स अ प्रैक्टिस फॉर दैट रिप्लेनिशिंग। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट दिस इज नॉट द मतलब ये उस समय एक्यूट ऑप्शन हुआ, बट जो प्लानिंग में कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है सोचने का कि कहीं, क्योंकि अगर आपने ग्लाइकोजन के लिए वर्कआउट कर रहे हो, स्वेटिंग को तो आप रोक नहीं रहे, उस समय आपकी स्वेटिंग भी हो रही है, उस समय आपका बॉडी वेट वाटर लॉस भी हो रहा है, जो वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम भी लॉस हो रहा है, उस समय आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी काम कर देगा, उस समय आपका एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी एक्टिवेट होगा। सो उस समय भी आपको इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि दैट यू गिव योर बॉडी अ टाइम पीरियड टू लूज वाटर एंड डोंट डू इट वेरी सून। तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। सो दीज आर टू थिंग्स जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए, डाइट, बाकी एक्सरसाइज में सारी मसल्स को यूज करना, और तीसरा कि आप अपने डाइट में कार्ब कंटेंट लो रखें लेकिन सिंपल रखें, उस समय सिंपल कार्ब ज्यादा काम करते हैं, लो रेसिड्यू डाइट में यही चीज होती है, सिंपल कार्ब। सर और एक पॉइंट अपना मिस हो गया कि जो उन्होंने किया कि रात भर जगे, ये रात हाँ, वो भर वो बहुत गलत है, जगे पता गलत नहीं। था, क्योंकि आप आपका कोर्टिजोल जैसे ही स्पाइक कर गया, अगर आपकी नींद नहीं हो रही है तो बट ऑब्वियस है कि आपका ADH बढ़ने ही वाला है। और बिल्कुल, जैसे अभी यहाँ पे कमेंट में किसी ने लिखा कि एंटी डायबिटिक हार्मोन कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ योर वाटर होल्डिंग वाला जो रिटेंशन है उसके लिए। तो मुझे ऐसे लगता है अगर ये अगर अच्छे से नींद हो जाए, इनफैक्ट मैं तो बॉडी बिल्डिंग में हमारे मैं एथलीट्स को कोशिश करता हूँ कि उस दिन मेलाटोनिन या ऐसी कोई चीज दी जाए जिसके वजह से नेक्स्ट डे जब वो मतलब स्टेज पे खड़ा रहने वाला है उसका कॉर्टिजोल स्पाइक ना हो और उसका वाटर कंटेंट बॉडी का अगर ADH मिनिमम रहे, सिक्रेट रहे, जैसे कॉर्टिजोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ADH एंटी बिल्कुल डायरोटिक हार्मोन सिक्रेशन, अगर ये दोनों हम दबाने की कोशिश करें तो नेक्स्ट डे बॉडी में इफेक्ट बहुत अच्छा आता है सर, दिस आई हैव ऑब्जर्व।
बॉडी में इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस वाटर ये सब निकल जाता है तो श्रेडेड दिखता है. बट सेम थिंग प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड हियर कि और रात को बॉडी सबसे ज्यादा फ्री फैटी एसिड यूज करती है. ये लोग भूल गए कि नींद में अगर आपको ऑक्सीडेशन लाइपोलाइसिस ये सारी चीजें आप कंसिडर करो देखो, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो सारी नॉलेज एक एथलीट को होगी. वी कैन नॉट ये एक्सपेक्ट दैट, राइट. यही तो पॉइंट है कि वहां उनके साथ में पिछली बार भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो विनेश कह रहे थे कि भाई उनके साथ में पिछली बार वो नहीं गए, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे और किसी अध्यक्ष को लेके जा रहे थे. तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ वो न्यूट्रिशनिस्ट को भी या किसी प्रॉपर डाइटिशियन को भी नहीं लेके गए, या किसी पर्सन को, मुझे नहीं पता कितने लोग गए कितने नहीं गए, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये जो नॉलेज है ऐसे लोगों को इसी से मिलेगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो अच्छी बात है. वी आर ये सेइंग व्हाई व्हाई वी आर डिस्कसिंग सो दैट पीपल लाइक देम कैन बेनिफिट कि भाई अगर तुम्हारे पास लोग नहीं है तो एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड. वही तो ऑप्शन है बना दो, है कि नहीं? सर. मैंने मेरे वीडियो में एक बात भी बताई थी, उसके पहले वाला एक वीडियो था. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सीज उनसे बहुत रिलेटेड है. ये रेसलर गोल्ड मेडल के पहले जो पहले वाला सेमीफाइनल जब हुआ, जब वो बाउट जीते, तब रिकवरी के लिए इन्होंने हाई जीए का काब्ज या फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक नहीं पिया था. इन्होंने 1 से 1.5 लीटर दूध पिया था. आप सोचिए, जब आपने ऑलरेडी वेट रिड्यूस किया है, आपके मिनरल पूरे डिप्लीटेड है, बॉडी डिहाइड्रेशन में है, और इस कंडीशन में आप दूध पचा सकती है क्या बॉडी? उनको डायरिया हुआ और नेक्स्ट डे सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से उनका वो हाथ में से बाउट चला गया, मैच चला गया, नहीं तो वो गोल्ड कन्फर्म था. ये पूरे अभी की मतलब बात है, इंडिया अभी की सर बात पिछले 2 ओलंपिक पहले जब इंडिया ओके को मेल मेल रेसलर ने सिल्वर दिया, जो ओके 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 रेसलर के रिगार्डिंग बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है ना, तो उनका नाम मैं नहीं लिया, बट दिस इज फैक्ट. मैं हाँ जिन ओके ओके जो छत्रसाल में महाराष्ट्र के रेसलर्स यहाँ से जाके छत्रसाल में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ साई में भी है, तो उनके मैं कंटिन्यूअसली टच में रहता हूँ, तो सब सब बातें पता चलती है कि क्या हो रहा है. यही तो, ये जैसे लाइक दिस गाइस है रीफीडिंग सिंड्रोम, यही वही चीज है. अगर आप इस तरह से करोगे तो गड़बड़ होगी ही होगी. एंड ये एक कारण हो सकता है व्हाई उनका एकदम से वजन जो है 2-3 किलो बढ़ गया आफ्टर फर्स्ट डे. फर्स्ट डे में जब उनका वजन 49 रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद अगर उनका 3 किलो वजन 2.5 किलो वजन बढ़ गया, ऑब्वियसली वो सिंपल कार्ब नहीं खाया होगा उन्होंने. कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी चीज ली है जो बहुत हैवी वाटर इनटेक, सॉल्ट इनटेक, या ऐसी चीजें उनको गई है जो ज्यादा हो गई. या फिर जैसे मैंने बताया, अगर हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा दिनों तक लो कार्ब और लो चीज करके बहुत मुश्किल से 49 पे आए, और उसके बाद एकदम कि हाँ 49 आ गया, अब मैं कुछ भी खा सकते हैं, अब अच्छा खाना मिल गया, वहां मिला हो गया, जो भी खाना बढ़िया था वो खा लिया टेस्टी, तो उसके बाद दिक्कत हो गई. सो उसके बाद एकदम से 3 किलो बढ़ गया. बिकॉज लो एसिड्यू डाइट में ये होता है, आप जब भी नेक्स्ट नॉर्मल खाना खा लोगे, नॉर्मल नॉट ओनली हैवी, जरूरी नहीं है, नॉर्मल खाना भी खा लोगे तो आपका वेट रिबाउंड आएगा. 24 घंटे 12 घंटे में सीधा 3-4 किलो बढ़ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी नोन फिनोमिना, रीफीडिंग सिंड्रोम, जो एक्चुअली इस तरह का जो केस आपने बताया वो रीफीडिंग सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग रूप भी धारण कर सकता है. इट कैन बिकम लाइक दैट. सो एकदम से, बिकॉज बहुत सारा इंसुलिन सिक्रीशंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस में जब आप कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी जो है डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को हाइपर एक्टिवेट करे, हाइपर एक्टिवेट क्यों, शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, डिमांड बढ़ जाती है आपकी बॉडी की, और बहुत ज्यादा ये दिक्कतें कर सकता है. सो ये एक रिस्की चीज है, नहीं करना चाहिए. रीफीडिंग सिंड्रोम इज अ लाइफ, इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग फॉर पीपल, राइट? इवन सर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के भी चांसेस होते हैं इस कंडीशन में. जैसे कि आपने पानी इतना कम कर दिया कि ब्लड के लिए जो प्लाज्मा के लिए जो वाटर है वही कम हो गया, सो इट बिकम्स हाँ डिफिकल्ट फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड. और उसमें एथलीट्स का परफॉर्मेंस 101%, आपका एंड्योरेंस तो चला जाता ही है, एंड्योरेंस का मतलब चांसेस कम हो जाते हैं. दूसरा, ब्रेन ग्लूकोज अगर डिप्लीट होता है तो ऑन मैट चक्कर आके गिरना, ये सब ये सारी चीजें हो सकती है. जैसे कि विनेश ने पहले भी बताया था कि उनके साथ ये हुआ है पहले भी. उस समय क्या जरूरी था, मुझे लगता है कि चलो वेइंग हो गया तो आप कम से कम इतनी प्रिकॉशंस लो कि आपके एथलीट का ब्रेन ग्लूकोज ना डिप्लीट हो जाए. आप उतना ग्लूकोज, उतना जरूरी चीज आप एथलीट को दे के मैट पे भेजो बाउट के लिए. ये तो मतलब देखिए सर, उनके न्यूट्रिशनिस्ट डायटिशियन सिंपल जो थे वो ये नहीं समझ पाए कि उनका ब्रेन ग्लूकोज डिप्लीट हो सकता है,
ये नहीं समझ पाए, नहीं तो वो बोलते ही नहीं कि ऐसे हो रहा है मुझे घर। वर्कआउट से पहले, हैवी इंटेंस एक्टिविटी से पहले अगर आप 50, 60, 70, 100 ग्राम भी सिंपल ग्लूकोन डी भी ले लोगे, इट गेट्स अब्सॉर्ब विद इन 5-10 मिनट्स में शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन, पूरा मैं एब्जॉर्प्शन तो उससे आपका। भी उससे एक स्टेप आगे जाके बोलूंगा, डेक्सट्रोज इज द बेस्ट ऑप्शन, जो हम G75 करके यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका एब्जॉर्प्शन टाइम ग्लूकोज से ज्यादा है। तो ग्लूकोज ले लो, डेक्सट्रोज ले लो, आई मीन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एक्यूट केसेस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है एथलीट्स के लिए भी और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी। तभी तो स्पोर्ट्स ड्रिंक बना है, व्हाई आर स्पोर्ट्स ड्रिंक फुल ऑफ शुगर, इट इज दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। माल्टोडेक्सिन इज आल्सो एन ऑप्शन, माल्टोडेक्सिन भी बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होता है, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, यस सर, वेरी अभी नाइस। तो इसके भी हायर वर्जन आया सर, साइक्लिक टेक्सटिंग करके एक आता है, विच हैज गॉट 2 to 3 मिनट्स का एब्जॉर्प्शन टाइम है उसका, अच्छा बाप साइक्लिक टेक्सटिंग करके रे, सबसे सुपीरियर माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें, और आई गेस सर हमने छोटे छोटे पॉइंट सभी कवर कर लिए। अगर आपके दिमाग में और कुछ हो कि हम मिस कर रहे हैं, जैसे एक और हुआ ग्लाइकोजन डिप्लीशन, एक हुआ वाटर डिप्लीशन, दूसरा सर एक तरीका मुझे बोलना था कि आपने जैसे बोला कि फाइबर है आपके पेट में या वो आपका वाटर होल्ड कर रहा है, देर इज अ वे ऑफ ट्रिगरिंग दैट पाथवे, दैट इज एक्वापोरिन 3, जो मैं करता हूँ, व्हाट आई डू, जो अपना इमोडिन आता है सर, इमोडिन इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा, राइट? ओके हाँ 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 हाँ, सो इसका डबल डबल बेनिफिट है सर, मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं इसका सप्लीमेंट भी लेके आ रहा हूँ। इमोडिन इज एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा विच रिड्यूसेस योर कॉर्टिजोल ड्रास्टिकली। आप देखिए कॉर्टिजोल रिड्यूस हुआ, ठीक है। दूसरा एक्वापोरिन 3 पाथवे उसने ट्रिगर किया, तो आपका फिकल एक्स्ट्रैक्ट जो कंटेंट है उसमें वाटर ज्यादा बाहर जाता है बॉडी से। हाँ बिकॉज दैट सो इज अ नेचुरल एग्जिटिव, एलोवेरा इज अ नेचुरल एग्जिटिव, इट इज वो बिकॉज हाँ ऑफ द इमोडिन ओनली जो उसका कंटेंट है। सो ये दो धारी तलवार है, ये अगर आप सही तरीके से यूज करते हो तो आपकी नींद अच्छी हो रही है, ADH आपका सप्रेस्ड है, आपके पेट से मैक्सिमम वाटर बाहर जा रहा है, और वो भी डायरिया माइल्ड लैक्सेटिव है, ऐसे नहीं कि 2 3 3 4 बार आपको डायरिया हो गया, बस एक ही बार होगा सुबह और अच्छे तरीके से पेट साफ होगा। यस, ये दो बड़े चीजें हैं जो मैंने अपने डिटेल वीडियो में कवर किए हैं। एक तो नेचुरल लेक्सिटिव है और नेचुरल डायुरेटिक्स है। नेचुरल लेक्सिटिव में हमारे पास में जो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है जो एलोवेरा हो गया, एक होता है प्रून जूस हो गया, दे कैन और कुछ इस तरीके की चीजें क्या है हेल्प करती हैं ताकि भाई जो गट है क्लियर हो जाए किसी को, अगर कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो। मगर जैसे उसका, जैसे अपने पास दो धारी तलवार है, कोई होते हैं जो अपने मजे लेके ज्यादा ले लेता हूँ और ज्यादा लेके क्या होगा, एकदम पेट दर्द होने लग जाएगा, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो और अनसर्टन वेट लॉस, वाटर लॉस, डायरिया लग गया, वही वाली बात है। तो दिस इज समथिंग सपोज टू बी डन ओनली अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस, नेचुरल एक्सिटिव या नेचुरल जो हम बात करते हैं डायुरेटिक, नेचुरल डायुरेटिक्स बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू ड्रिंक सम फ्लूइड, आपको पानी तो लेना ही पड़ेगा। और आप अगर नॉर्मली सॉल्ट जो होता है ना पानी के साथ, क्या होता है नॉर्मली इट्स बेस्ट जब आप इनिशियली आप वाटर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब इनिशियली आप केवल वाटर लेते हैं, सॉल्ट कम लेते हैं, सो दैट योर बॉडी फ्लशेज आउट वाटर, फटाफट वो वाटर फ्लश आउट करती है जब टॉक्सिन्स निकल जाए। उसके बाद यू रिड्यूस, बिकॉज यू रिड्यूस द वाटर कॉन्टेंट ऑल्सो, वाटर कॉन्टेंट रिड्यूस करने के बाद भी आपको एक मिनिमम अमाउंट लेना होगा ताकि भाई बॉडी के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि आदमी 2 दिन प्यासे ना प्यासा रहे। सो इफ यू आर टेकिंग दैट, उस कंडीशन में कैफीनेटेड ड्रिंक्स और जो दूसरी है क्रेनबेरी जूस, क्रेनबेरी जूसेस एंड कैफीनेटेड ड्रिंक्स, इनमें दो फायदे होते हैं। बट ऑब्वियसली टाइमिंग इंपॉर्टेंट, ये नहीं होगी भाई आपकी नींद भी उड़ जा रही है और वो दूसरी चीजें भी है, दे हैव अ नेचुरल डायुरेटिक इफेक्ट। सो कैफीनेटेड ड्रिंक, दैट्स व्हाई मोस्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक थोड़ा बहुत उसमें कैफीन भी होता है। सो कैफीन इज वेरी गुड इन दिस केस, नेचुरल डायुरेटिक हो जाता है एंड इट इज नॉट बैंड इन एनी वेयर इन ओलंपिक, तो यू कैन टेक दैट सर इन लिमिटेड। कुछ MG में बैन था, पिछले आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट उसका लिमिट है कैफेन का, आप हाँ इतना ही लिमिट कैफेन ले है, सकते हैं।
लिमिट तो है, बट दैट्स द थिंग कि वो आपके पास में अवेलेबल ऑप्शंस में लिमिट है ना, कि आप क्या लो। अब आता है कि आदमी को आपको पिलाना है, वो जैसे उन्होंने दूध पी लिया, अब उनको पिलाना है तो आप क्या दोगे? आप इलेक्ट्रोलाइट दोगे, आप स्पोर्ट्स ड्रिंक दोगे, आप गेटोरेड दोगे, आप कैफीनेटेड चीज दोगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि अब क्या है। अब आदमी अगर जाके रेस्ट करने वाला है तो उसको कैफीन देके तो कोई मतलब नहीं है ना। सुबह अगर उसके सुबह अगर उसकी हाँ सुबह अगर उसकी चालू हो रही है, दोपहर में उसकी फाइट है, तो यू कैन गिव कैफीन बिफोर द फाइट कि भाई चलो यू विल बी अ लिटिल मोर एक्साइटेबल कि भाई ठीक है, अगर ब्लड ग्लूकोज तुम्हारा थोड़ा कम भी है तो ग्लूकोज ले लो, थोड़ा कैफीन ले लो, यू विल परफॉर्म बेटर बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ थिंग विच कैन बी यूज्ड बाय द एथलीट। सेम गोज विद क्रेनबेरी जूस। इसके अंदर भी अगेन ये दो चीजें जैसे बताया, एक हो गया आपका नेचुरल डायुरेटिक्स और दूसरा नेचुरल लेक्सेटिव। फिर आगे आपका ग्लाइकोजन डिप्लीशन जो आपको करना है थ्रू व्हाटएवर एक्सरसाइज, स्वेट, देन देयर आर जो उन्होंने सोना वाला काम किया। तो सोना वाला काम क्या होता है, वो पता नहीं मुझे रात भर क्यों जागे, गलत था, एब्सोल्युटली रॉन्ग था। रात भर जागे हैं तो गलत है, और रात भर सोना में बैठना या लंबे समय तक बैठना भी गलत है। मोर देन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स इज नॉट गुड। मोर देन 20-30 मिनट्स से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, ना तो सोना में ना ही इप्सम बाथ वाली चीजें में। ओवर हीटिंग हो जाती है, बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है वो, और फिर दिमाग में काम नहीं करेगा। एंड आई थिंक उस लेवल पे जब आदमी आ जाता है ना कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट करना है, कुछ भी करो कुछ भी करो, तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एक एक घंटा दौड़ लेंगे, पूरा सिवियर डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। एंड मे बी दैट टाइम एवरीबॉडी वाज ट्राइंग व्हाट सर, एवर इज कमिंग इन देयर माइंड। यहाँ पे ही कोच का रोल होता है। कोच का रोल ये नहीं होता हमेशा कि क्या करना है, काफी बार कोच का रोल ये होता है कि क्या नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है ज्यादा करके। तो मैं यही लोगों को बोलता हूँ कि क्या नहीं करना, ये अगर आपको पता चल जाए कोच के थ्रू, तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। अभी जैसे आपने बोला कि उस समय सर जो टेंशन है, आप सोचो कि पास होने वाले बंदे को टेंशन नहीं होता, हमेशा एग्जाम में टॉप करने वाले बंदे को ज्यादा टेंशन होता है, स्ट्रेस उसको ज्यादा रहता है। जो गोल्ड के लिए फाइट कर रहा है उसकी मेंटल सिचुएशन जो जिस तरीके से रहेगी वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनके पास लोग जो बोल रहे हैं कि उसे इतना नहीं पता चला, क्या वो इसके पहले भी एशिया खेली हुई है, किसी बड़े प्लेयर का स्टेटमेंट आया, जबकि खुद इतने इस लेवल के बड़े प्लेयर है, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो सरप्राइज कि आप सोचो लास्ट बाउट उस बंदी ने, इस एथलीट ने कैसे वैसे डिहाइड्रेशन में जाके वो मैच जीता है। अब इसके बाद उनका ब्रेन ग्लूकोज क्या होगा, क्या उनकी वो मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी होगी कि मैं सही डिसीजन लूं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिशियन और कोच की तो है। उनको एब्सोल्युटली उनको तो सिर्फ जाके परफॉर्म करना है, बाकी हर एक चीज तो उन्हीं को करनी है। एब्सोल्युटली देखो, ऑब्वियसली बोलने की बात ही नहीं है कि एथलीट की जिम्मेदारी नहीं है। उसका काम है कि वो अपने दाव पिच पे ध्यान दे, अपने जो उसको परफॉर्म करना है उस पे ध्यान दे, एंड इट्स ओके। पीपल आर नो, आज के डेट में ये जो ओरिएंटेशन लोगों को आ रहा है, वरना पहले कहाँ इतनी बातें होती थी, पहले कहाँ लोग बातें करते थे। इसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी लोग होंगे जिनको, और वो दिख जाएगा कि भाई कौन लॉजिकल बात कर रहा है, कौन इलॉजिकल बात कर रहा है। एंड पीपल गेट टू नो दिस, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स और डाउन द लाइन एवरी जो जितने भी लोग होंगे उनको खुद को इतना नॉलेज खुद ही होगा कि भाई हाँ मेरा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे अच्छे तो मत ही दो, कि मैं खुद पढ़ के कर लूंगी। तो मेरा कोच जो है उसको कुछ नहीं पता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज द गवर्नमेंट के हिसाब से जो चलता है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। सर बट देन इसमें गवर्नमेंट यू कैन, और एक बात मैं कवर करना चाहूंगा सर, मतलब थोड़ी सी टॉपिक से हटके नहीं है, रिलेटेड ही है, कि हमारे जो इंडियन थिंकिंग है कोचेस की, जिनको 20-25 साल कुश्ती का जो एक्सपीरियंस है, उन्हें लगता है कि हमने मेडल जीते, हम नेशनल प्लेयर है, सो हम जो बोलेंगे वही सही तरीका है। बट दे डोंट रियलाइज कि आज कुश्ती कुश्ती अखाड़े मिट्टी वाली कुश्ती, दंगल वाली कुश्ती आज मैट पे पहुंच चुकी है। आज इसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट इतना मैक्सिमम आ चुका है, ये लोग ये बात समझते नहीं है। और यहीं पे हमारे जो रियल टैलेंट है जो गांव से आता है सर, मैं आपको बाकी स्टेट का नहीं पता लेकिन महाराष्ट्र में मैंने देखा है सर, जो बंदा इंटरनेशनल कैंप करके आता है वो गधा मेहनत नहीं करेगा, वो सूर्य नमस्कार हजार हजार 2,000 नहीं करेगा, वो अपना रेजिस्टेंट बैंड लेके वर्कआउट करता रहेगा, वो अपना अलग वर्कआउट करेगा। लेकिन जो गांव गांव से जिनके बोलते हैं ना खून में कुश्ती है,
कुछ चीजें होती है कि सचिन तेंदुलकर के जैसे खून में क्रिकेट था, उसकी आंखें उसकी वो नजर थी बॉल के ऊपर, उस तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी, और कुश्ती ऐसा गेम है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, एंड्यूरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, हर एक चीज चाहिए, मेंटल बोलते ना एक अलर्टनेस चाहिए कि आप जो प्रैक्टिस में जो दाव पेच लगा रहे हो वो मैट पे आपकी तरफ से लगना चाहिए. सो दैट इज वाई रेसलिंग इज कॉल्ड वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट एंड बेस्ट गेम, और एंड दैट इज हाउ ओलंपिक वॉज स्टार्टेड. रेसलिंग के लिए ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे. सो इस खेल में इतना मैक्सिमम साइंस अप्लाई आप कर सकते हो उतना कम है, फिर भी लोग अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है. सो ये वो एक होगा, पॉइंट है वो सर. समय लगेगा, वो उसको उसको कई बार क्या होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ही चेंज होता है. अनफॉर्चुनेटली ये तभी होता है जब उनको थोड़ा साइंस समझ में आने लगेगा. जैसे जैसे एक एथलीट जो साइंटिफिकली समझता है वो कभी वो वाली बातचीत नहीं करेगा कि मैं तो 1,000 सपाटे मार के आता हूँ रोज, तो वो कभी नहीं करेगा. वो उसको पता है कि दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, राइट. सो यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि भाई हमें उस लेवल पे जाके उन सभी को एजुकेट करना जरूरी है. यहाँ बात ऐसी है कि वहां से हमको बेसिक एजुकेशन देनी जरूरी है. अगर उनको बेसिक एजुकेशन लेवल सही का सबका आ जाएगा ना, कि हाँ सारे के सारे अगर साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं, साइंस की बैकग्राउंड थोड़ा सा भी बेसिक समझते हैं, तो उसके बाद फिर वो एक सिर्फ एक पर्सन घर में पढ़ने की आवश्यकता होती है. एक पर्सन अगर घर में साइंस पढ़ गया ना, तो बाकी सबको वो पीछे खींच के ले जाता है एक आदमी. तो वो एक या दो दशक की बात है, फिर ये सारे के सारे आगे बढ़ ही जाएंगे, बिकॉज अब सबको इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि पढ़ना जरूरी है. और आज के डेट में जितनी ओरिएंटेशन आ रही है, जितनी उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, जितने ऐसे ऐसे काइंड ऑफ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा महागुरु समझते हैं कि मेरे को ही फॉलो करो टाइप आ रहे हैं, इन लोगों का एक लिमिटेड लिमिटेड टाइम है. वो अपना टाइम काटेंगे, उसके बाद सबको पता चल ही जाएगा कि ये सही नहीं है. बिकॉज इफ यू आर नो ऑन योर बेसिस कि मैं हूं, अगर आप में अहम है तो वो टिकेगा नहीं, वो चीज खात्म होगी होगी जब तक आप सर एक साइंटिफिक. जहाँ पे ये अहम आता है कि आई नो एवरीथिंग, वहां पे आपके नॉलेज के लिए लिमिटेशंस आ जाते हैं. सो करेक्ट, मैं तो कभी लाइफ में, मैं तो बोलता हूँ जितनी भी लाइफ है, काश मुझे ये नॉलेज की जो भूख थी वो पहली अगर रहती व्हेन आई वाज इन 20s या फिर उसके बाद 30s, तो हो सकता है इससे अच्छा कुछ और ज्यादा नॉलेज लेके मैं आगे चला जाता. एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल सही बात बोले. नहीं, दिस इज एक्चुअली समथिंग ना जो ग्रो होती रहती है. आज भी हम चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं सीख रहे हैं. एवरी डे वी डिस्कस, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम पीपल. सो हम उन्हीं को, और एक ग्रुप, एक बंड, एक माइंड सोच बन जाती है, साइंटिफिक आउटलुक बन जाता है. और यही जरूरी है, हर इंसान जो अपने जान के ऊपर खेल रहा है, अपने फिजिक के ऊपर खेल रहा है, उसके लिए साइंटिफिक आउटलुक रखना जरूरी है. तो यही आगे होगा. तो नथिंग टू वरी, ये समय के साथ ठीक होता जाएगा. हमारा काम है, हम करते रहेंगे. बेटा बाहर जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ. यस सर. सो अभी मैं कंक्लूड करूंगा जो जो बातें हमने की कि क्या किन किन चीजों पे फोकस होना चाहिए था. एक जैसे आपने बोला वाटर और सॉल्ट का एक परफेक्ट मैनिपुलेशन होना चाहिए था, वाटर सॉल्ट का. दूसरा जिस तरीके का वर्कआउट होना चाहिए था फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन. तीसरा था कि उनका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब इंटेस्ट कोलन्स मैक्सिमम तरीके से जो फाइब्रस फूड बिना लिए उसका वाटर कंटेंट. लेट मी समराइज, मैं समराइज कर देता हूँ. मैं एक बात बता देता हूँ. देखो ऐसा है, जितने भी एथलीट हैं जिनको वेट मैनेज करना है, इसमें उनके पास कुछ सेफ मेथड्स हैं, कुछ अनसेफ मेथड हैं. सेफ मेथड्स आपके पास में बहुत सिंपल है, अपना फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना, अपनी पानी को स्वेटिंग या हॉट बाथ से निकालना, जिसको लिमिट करना है आपको. फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना भी बैलेंस से करना है आपको. और दूसरा बेटर मेथड, सेफ मेथड होता है ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना, और डाइट में ही लो फाइबर डाइट लेना, लो रेसिड्यू डाइट लेना अगले पिछले 2-3 दिनों से ही, और सोडियम और वाटर को मैनेज करना. उसके अलावा नेचुरल डायरेटिक्स में आप कैफीनेटेड चीज लिमिट में जो आपको अलाउड है वो पता करके ले सकते हो. क्रैनबेरी जूस जैसी चीज ले सकते हो. ये आपके लिए सेफ बेस्ट मेथड्स हैं. उसके अलावा आपको वर्स्ट मेथड्स, सिवियर डिहाइड्रेशन पे नहीं जाना है. आपको डायुरेटिक्स यूज नहीं करना है, वो सेफ नहीं है, वो अलाउड नहीं है किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में. आपको लैक्सेटिव्स जो आते हैं, मोशन वाली दवाई भी यूज नहीं करना है. नेचुरल लैक्सेटिव्स, एलोवेरा बेस्ड कंपाउंड्स यूज आप कर सकते हैं लिमिट में, डॉक्टर के गाइडेंस में. और जो दूसरे मेथड्स हैं, सोना नहीं,
या ब्लड लेटिंग करना, वहां तक जाने की नौबत नहीं आएगी अगर इतना आप कर लोगे तो। और सोना बिल्कुल, रेस्ट लेना है, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेंगे तो आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपकी बॉडी से वाटर नहीं जाने देंगे। तो स्ट्रेस रिलैक्स करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उस समय निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, ठीक है। सर, एक पॉइंट रह गया जो हेड डाउन टिल्ट वाला पोजीशन जो था, जो हाँ, इन्होंने एलिवेट, रिसर्च किया था। मैं सर मेरे एथलीट्स के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और अच्छा रिजल्ट आता है। यूजुअली एथलीट्स क्या करते हैं ना, चेयर के ऊपर 90 डिग्री में से पैर डाल के नीचे पीछे सोते हैं, बट सही तरीका है कि 10 डिग्रीज में आपके फीट को एलिवेट करना है। मतलब आप सिर्फ बेड के नीचे एक ईटा भी डाल दो तो उससे भी 10 10 to 12 डिग्रीज तक एलिवेशन आ जाएगा। और उसमें क्या होता है सर, आपके बैरो रिसेप्टर जो जो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर हल्का सा बढ़ता है। अगर वो डिग्री ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 10 to 15 मैक्सिमम होना चाहिए एलिवेशन। उसमें सर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड करके जो आपका हार्ट के मायोसाइट सिक्रेट करते हैं, वो एक तरीके से डायुरेटिक्स का काम करता है। और दूसरा आपका अल्डोस्टेरोन लेवल भी डिप्लीट होता है सर। ये तरीका बहुत अच्छे से और सेफ तरीके से काम करता है जो मैंने देखा है। अच्छा, मतलब आपका मेन आपको पता है, उसके पहले आप रात को उसी पोजीशन में सो, उठ के सुबह सीधा वेन के लिए जाओ। आपको जो वेट है उसमें वाटर, मैं कह सकता हूँ कि यूजुअल जो यूरिन जाने वाला था उसमें एटलीस्ट 200 ml का तो फर्क आपको समझ में आएगा कि एक्स ज्यादा जा रहा है। सो ये दिस इज ऑल्सो हाँ वेरी गुड टेक्निक, और कोई इसमें मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा हेड एलिवेशन करने का, हेड लो करने का, कोई मेजर 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज में कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। 15 20 15 to 30 डिग्रीज में जब हम जाते हैं उसको हम मेडिकल टर्म्स में ट्रेंडनबर्ग पोजीशन भी बोलते हैं। वो चीज़ एक अलग हो जाती है, वो एक मेडिकल यूसेज जो ब्रेन को ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर के लिए किया जाता है। तो वो उस लेवल पे जाने का आवश्यकता नहीं है। 10 डिग्री 15 डिग्री इज अ गुड थिंग, जिसपे रिसर्च है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा कंक्लूसिव रिसर्च नहीं है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मेथड नहीं है, अकेले नहीं इसको यूज कर सकते आप, लेकिन एडिशनली आप इसको यूज कर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग, नो डाउट। यस यस। सो आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग और आई होप ये वीडियो उन रेसलर्स के तक पहुंचे और उनके बिल्कुल साथ साथ बाकी रेसलर्स को भी इसका बेनिफिट मिले। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सर, वी थैंक यू होप वेरी सो। मच। थैंक यू सो मच, बट थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर हैविंग अस, यस सर, स्टे गुड नाइट। कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।